हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर वेल एट होम। आप घर पर बिल्कुल अच्छे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द फोर्थ पोएम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर। द पोएम वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स एंड इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम। यू कैन से इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम बिकॉज हेयर ऑल द सेंसुअस इमेजरीज और यू कैन से ऑल द ब्यूटिफुल इमेजरीज ऑफ नेचर हैव बीन ड्रॉन बाय द पोएट। ओके, यहाँ हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इमेजरीज थी, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, यानी कि पूरी पोइम आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगी। आपने ये चार लाइंस तो पढ़ी ली है प्रेजेंटेशन में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज, इट नेवर पास इन टू नथिंगनेस, इट प्रोवाइड्स अस अब ओवर क्वाइट अस, मतलब इसमें था कि कुछ इस तरह से थी, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और कुछ इस तरीके से था गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथ। ओके, इस तरीके से था। तो ये आपने पहला स्टेंजा कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड एंड द रिमेनिंग स्टेंजाज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखेंगे अपन, तो पहले शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से समझना, एक एक चीज़ को बड़े तरीके से समझते हुए चलना। रिवाइज है, आप देखिए कि कितनी ब्यूटीफुल आपको ये लगती है। ओके, एक बार हम रिवाइज जरूर करेंगे पूरी वीडियो को, एक मोमेंट्री टाइप से देखेंगे। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, तो यहाँ पर पॉइंट एडवाइस करता है कि हमको हर मॉर्निंग या हर अगले दिन आर बी ब्रीथिंग, हमें ब्रीथिंग करनी चाहिए, माला बननी चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए फूलों की माला बांध करके अपने आप को धरती से। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इन ह्यूमन अर्थ ऑफ नॉबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन डेज मेड फॉर आर सर्चिंग। आपने ये पढ़ा था कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर कई सारी निराशाओं के भाव है, अमानवीय कमियाँ हैं, और हमारा नेचर भी नॉबल है, और मतलब एक पॉजिटिव क्वालिटी यहाँ पर ली गई है, और हमारे दिन उदासीन हैं, और हमारे रास्ते अत्यधिक अस्वास्थ्यकर और अत्यधिक अंधकारमयी हैं, फिर भी हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। और किस ब्यूटीफुल की, ब्यूटीफुल थिंग के लिए हम तलाश जारी रखते हैं? एक ऐसी ब्यूटीफुल थिंग जो हमारे हार्ट से इस सैडनेस के पॉल को हटा देगी। तो देखिए, एंड दिस इज स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। ओके, what is this? This is a spite of despondence. Look here. मतलब हम लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, हम लोग बड़े सैड मूड में रहते हैं, लेकिन अब इस सैड मूड को ड्राइव आउट हटाने का काम कौन करता है? एक ब्यूटीफुल थिंग। और हमारे अंदर इनह्यूमन डर्थ होती है, हम एक दूसरे इंसान को, एक दूसरे इंसान से मतलब प्रेम नहीं होता, हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक वीडियो है, जय माहेशमती, ये आपको दिख रहा होगा शायद, सब लोगों ने ये सीन देखा होगा, एक वर्ल्ड फेमस मूवी खेलिया गया। देखो किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, काट रहा है। बट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। लेकिन जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ है, चाहे कैसी भी एज का हो, वो हमारे लिए एक छायादार वरदान देते हैं, और यानी कि ये हमारे लिए बहुत ब्यूटी का कार्य करते हैं। इससे मतलब ये लोग, ये चीज़ें, ये किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, ये किसी में डिफरेंस नहीं करती, ये सिर्फ सभी लोगों के लिए, सभी क्रिएचर्स के लिए बराबर, यानी कि इक्वल अपना फेवर देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सन दिखाया गया था, मून दिखाए गए थे, ट्रीज ओल्ड एंड यंग दिखाया गया है। ये देखिए, सिंपल शीप, ये साधारण से साधारण जो शीप हैं उनके लिए भी स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये एक छायादार वरदान देते हैं। और ये देखिए डेफोडिल्स के फूल, जो इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हुए और उन वहाँ पर उसकी ब्यूटी, मतलब उसकी ब्यूटी को इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है फॉरेस्ट की ब्यूटी को इंक्रीज करने वाले नरगिस के फूल हैं, और ये है क्लियर रिल्स, साफ सुथरे जलाशयों के यहाँ पर बताया। देखो कितना मनोरम दृश्य है, ये सीजन कितना भी हॉट हो लेकिन अपने चारों ओर एक कूल कवर बनाता है, या फिर फॉरेस्ट में एक शीतलता प्रदान करता है। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक और फिर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, देखे आपने कि यहाँ पर जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है वो क्या है, मस्क रोज से क्या हो रहे थे, ब्यूटीफाई हो रहे थे। अब यहाँ देखेंगे, फिर उसने बताया कि हम लोग जिस तरह से नेचर की ब्यूटीफुल बनाने के लिए कई सारी चीज़ें काम आती है, ठीक उसी प्रकार से इंसान की लाइफ में भी कुछ उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोई चीज़ होगी ज़रूर, और वो क्या है, ग्लोरी।
तो वो ग्लोरी बताता है कि वो ग्लोरी है उन डूम्स के लिए है, उन डैड्स के लिए है जो कि माइटी डैड्स थे, जिनके लिए हमने इस तरह की ग्लोरी क्या की है, इमेजिन की है। और उनके बारे में जब भी हम प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते हैं या हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी है तो ऐसी लगती हैं मानो कि एक इमॉर्टल ड्रिंक हो। तो देखो ये एक एक फाउंटेन हो, किसका, एक अमृत का फाउंटेन हो। तो देखिए अब अभी अमृत का फाउंटेन आएगा, ये फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, एक बार और देख लीजिए, ये इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन आपके सामने आने वाला है। ये देखिए इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है, ठीक है ना, था क्या नहीं इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन, ये रहा, ये इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है। और ये मान लीजिए तो बस एक इमेजरी है कि भाई क्या क्या चीज़ें आई थी। तो पहले आपने देखा कि वो कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स को यूज़ करता है, तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच द पॉइंट इन्वोक टू ब्यूटीफाई नेचर और टू टू शो द क्वालिटी और टू शो द नेचर ऑफ ब्यूटी, तो आप बताएंगे कि कैसे बताना है आपको, कि द मून, द सन, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, फिर आपको बताना है डेफोडिल्स, फिर बताना है आपको क्या मिड स्ट्रीम्स या फिर रिल्स, फिर बताना है आपको ब्रेक्स, फिर बताना है फेयर रस्क फेयर मस्क रोज, ओके। और अब जो फाउंटेन है वो किसका है, अमृत का है, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं वो लोग जिनकी कहानी अमर हैं, या फिर वो लोग जिनकी कहानी हम सुनते हैं वो बिल्कुल अमर हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी कहानियाँ स्वर्ग के किनारों से हमारी तरफ उड़ेली जा रही हो और ये कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, पॉरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स यू हैव जस्ट understood each and everything in this poem, and this poem will be in your mind now. और यही मेरा उद्देश्य था, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार साइलेंटली ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से आपके माइंड में इम्प्रिंट डाल देगी। पिछले पार्ट और इस पार्ट को कंबाइन करके आप एक बार देखिएगा ज़रूर, और ये पॉइम आपको फिर आप दोबारा से टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं आती, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, तो आप टेंशन ना करें, सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ें आपको उसमें सेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए एक बार, then okay dear friends, let us meet in the next class, till then have a nice time, good day, goodbye, bye bye.